है, क्योंकि भाई मैं रेगुलर रहना चाहता हूँ यूट्यूब में उसके कारण। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहाँ से देखते हो हमारी वीडियो को ये भी बताना आप लोग। और ये देख रहे हो गाइस, यहाँ चारों कोनों का स्केच दिख रहा, क्योंकि मेरा गाँव है, शहर नहीं है एक तरह से, अब इसको गाँव ही बोलो क्योंकि छोटा सा गाँव ही है VIT। और गाइस मैं अभी जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं अभी जा रहा हूँ कि पेट्रोल टैंक, तो आप जाकर पेट्रोल डलवाते हैं वहाँ से, उसके बाद फिर आज आपको दिखाते हैं अपना VIT कैंपस। क्या VIT में अगर नहीं सुने हो तो गूगल पे भी जाके सर्च करोगे तो आ जाएगा लोकेशन वोकेशन जो भी जो करना देख सकते हो आप। और गाइस मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और गाइस मैं 10 पास आउट इस बार ही हुआ हूँ, और मैं एजुकेशनल पर एडमिशन लिया हूँ इंटरमीडिएट में आर्ट्स में, और मैं अभी वहीं स्टडी कर रहा हूँ। और 10 पास आउट में RTC हाई स्कूल की एक बुट्टी रांची से किया हूँ। तो भाई मैं अभी 10:33 पहुँच गया हूँ डेडवी साउथ, तो यहाँ से बस ज़्यादा दूर नहीं है, पेट्रोल कम थोड़ा कम ही दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर होगी यहाँ से। वहाँ जाते हैं फ्यूल लेते हैं फिर चलते हैं VIT कैंपस, क्योंकि भाई अभी शाम के बज रहे हैं, 5 बज रहे डेडवी साउथ, तो अभी तो कुछ देर में लगता रात भी हो जाएगी, पता नहीं दिखा पाऊँगा या नहीं पाऊँगा आपको अच्छे से, बट जरूर जाऊँगा एक बार उधर वीडियो उधर का वीडियो जरूर शूट करूँगा अभी। और भाई इतना काम हो गया, क्योंकि सोने से आगे बहुत ज़्यादा थक गए थे, उसके बाद फिर मैं सो गया था भाई, क्या ही कर सकते हैं ना आजकल, तो भाई सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं। बात करना किसी से तो बोल ही जाओ भाई, कॉल में तो बहुत कम ही चांस है आजकल बात करना, कॉल में तो किसी से जल्दी बात नहीं करता हूँ आजकल कॉल में, क्योंकि भाई खुद के पास टाइम ही नहीं है तो क्या बात करूँगा ना, सोने तक का टाइम नहीं है भाई, क्योंकि सोता हूँ मैं आज आपको बता रहा हूँ कितना भी सोता हूँ मैं, 11-12 बजे तक सो जाता हूँ, उसके बाद 5 बजे उठ जाता हूँ कॉलेज के लिए, फिर रेडी उडी होकर निकल जाता हूँ 7 बजे तक, उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूँ गाइस। क्या करें ना गाइस, जिंदगी ऐसी है, मजबूरी है भाई, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोग भी जानते हो मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। और फाइनली गाइस मैं स्कूल पर पहुँच गया हूँ, मुझे स्कूल लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग को पूरा फुल पावर सफाई के साथ। तो फाइनली गाइस मैंने फ्यूल ले लिया, ज़्यादा कह नहीं लिया है, बस 110 निकल गया है, तो भाई जरूर हो सकते हो। तो गाइस आप लोग अभी इधर से जाते हैं विकास होकर, इधर से राइट लेनी है फिर निकलनी है राइट VIT कैंपस, कौन फिर जाएगा घूम फिर तो खैर, इधर से राइट लेके निकलते हैं अभी हम लोग। गाड़ी भाई, ओ भाई मेरे, क्या बोलते पब्लिक इधर, क्या बोले भाई, गांव ही है पूरा, टाउन नहीं है, रांची नहीं है, ये रांची से बहुत अंदर घुस गए, ये रांची तो बहुत थोड़ा दूर ही है, मतलब हमको कॉलेज इतना 12 से 13 किलोमीटर जानी पड़ती है, आते जाते 30 किलोमीटर हो ही जाती है, सुबह उठ के 15 किलोमीटर जाना, वो भी इतना ठंड में भाई, क्या बोलोगे, मजबूरी है जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतना दूर में एडमिशन लिए तो जाना तो पड़ेगा ही। रूम के लिए भी सोच रहे थे, बट रूम में भी रहे, बट रूम में हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई घर है रूम में बहुत फर्क है, वो आपको भी पता, घर में रहने से कैसा लगता है, रूम में रहने से कैसा लगता है। और गाइस देख रहे हो ना, खार बस इधर कैसी भरा हुआ,
आपको वैसे जैसे वही दिखेगी, अभी तक पक गई है ना, उसके कारण आपको बस येल्लो दिखेगी, वरना पहले दिखाते तो आपको पूरा ग्रीन दिखता, पूरा आगे ना से पूरा वहाँ तक बहुत दूर तक है। ओ भाई ब्रेकर। तो गाइस फाइनली मैं अभी VIT का मेन गेट पहुँचने वाला हूँ, इधर से भाई लेफ्ट टर्न लेनी है और VIT का गेट आपको दिखाई दे रही होगी अभी तो। अरे भाई 650 निंजा कौन ले लिया, और ये चेक करो वो इस VIT का मेन गेट। अब देख लिए गाइस VIT का मेन गेट, चलते हैं डायरेक्ट मेन बिल्डिंग और दिखाते हैं अभी आप लोगों को VIT का मेन बिल्डिंग है। क्रिकेट ओवर जो है भाई क्या कहते हैं, ये है एक तरह से एक स्टेडियम है VIT का, यहाँ हर कुछ का स्टेडियम है, मतलब हर कुछ यहाँ तुम आप मतलब हर कुछ यहाँ आप खेल सकते हो, जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, आपको जो भी खेलना है यहाँ हर कुछ अब यहाँ से खेल सकते हो। अरे यहाँ तो अभी शायद टूर्नामेंट चल रही है, इसके कारण अभी सब लोग बाहर से आए हैं खेलने के लिए। एक भी साउट ये गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं भाई, काफ़ी अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे भाई। तो चलिए गाइस चलते हैं फटाक से VIT कैंपस, VIT का मेन बिल्डिंग, और आपको दिखाते हैं वहाँ का भी कैसा दिखेगा। अभी मुझे तो नहीं पता गाइस क्योंकि रात हो गई है, इसके कारण मैं कुछ नहीं पूछ सकता हूँ। अब आगे ये चेक करो बॉयज, फाइनली मैं VIT का मेन बिल्डिंग है, सब नहीं दिखाई दे रही होगी, चलिए सामने से दिखाते हैं आपको। और पूरा भाई तबाही दिखता है, पूरा फुल पावर, क्या पता गाइस इधर तो पूरा रोड बन गया है, सब कोई आ रहा होगा इसके कारण पूरा रोड बन गया गाइस। ये चेक करो कितना सुंदर दिखता है ना गाइस। VIT कैंपस कैसा लगा आप लोग को ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे गाइस, आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है VIT कैंपस आपको देख के। हॉस्टल है लड़की मतलब बॉयज़ गर्ल्स दोनों का हॉस्टल यहाँ पर, यहाँ काफ़ी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं लोग, रांची का तो हमको बहुत कम ही लोग लगते हैं यहाँ, 100% में 5% रांची के होंगे, बाकी सब बाहर के दिल्ली मुंबई ये सब, रांची का बहुत कम ही लोग है भाई यहाँ। ये चेक करें वो मैं बिल्डिंग पहुँचने वाला हूँ भाई, क्या ही बोले गाइस, थोड़ा सर्दी हो गया उसके कारण आपको आवाज़ ठीक से जा नहीं रही होगी। और ये चेक करो मेन बिल्डिंग कैसा लग रहा है, मेन बिल्डिंग बॉयज ये कमेंट में ज़रूर बताइए ना। मेन बिल्डिंग आप लोग तो देख ही लिए होंगे, मेन बिल्डिंग कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताना, मुझे भी अच्छा लगे इसे कैसा लगा हमारे वीडियो। चलते कैंटीन साइड। तो हेलो जी कैसे हैं आप लोग। तो गाइस अभी शाम के बज रहे 6 और मैं अभी तक VIT कैंपस में ही हूँ, क्या कर सकता हूँ गाइस, देख रहे हो ना अभी के इतना जल्दी अंधेरा हो गया। चेक दिस आउट, आपको तो पता चल ही रहा होगा इतना जल्दी इतना अंधेरा, ओ भाई कैसे होगा इसे मैं, क्योंकि गाइस मैं मतलब इसलिए ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को कल ब्लॉग अपलोड करनी है, क्योंकि भाई मैं रेगुलर रहना चाहता हूँ यूट्यूब में, उसके कारण थोड़ा बिजी भी रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिजी नहीं रहता हूँ, उसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ अच्छे से, और अभी का भी ब्लॉग तो ठीक से नहीं बना भाई, छोटा सा ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग इसको बोलो ना से। तो वहीं पर हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोग फिर आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई को इसी तरह प्यार करें और सपोर्ट करते रहें, आज आप लोग की वजह से मेरा 500 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गया है गाइस, इसके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा भाई भाई और बहनों जो भी हो आप लोग जिन्होंने मेरा चैनल को इतना सपोर्ट किया है अभी तक। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोग फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फुल पावर एंड तबाही के साथ, देन बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खाइए पिए और मस्त रहिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।